हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के अंतर्गत गंबरपुल के समीप के क्षेत्र में ऊपरी इलाकों में आजकल लाल टमाटर की बंपर पैदावार हो रही है। ये लाल रंग का सोना किसानों की आर्थिकी को मजबूत कर रहा है। यहाँ पर किसानों की मांग है कि इस क्षेत्र में काफी किसान बागवान खेती बाड़ी करके अनेकों प्रकार की सब्जियां उगाते हैं, जिन्हें बेचने के लिए किसानों को काफी समस्या आती है। वहीं किसानों का कहना है कि इनके इलाके में एक सब्जी मंडी खुलनी चाहिए ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके और अपनी सब्जियों को बेचने में कोई परेशानी न आए। गंबरपुल के ऊपरी क्षेत्र में, जिनमें जामली और अन्य गांव शामिल है, यहां पर टमाटर की खेती से बहुत से किसान काफी वर्षों से करते आ रहे हैं। यहां से हर रोज गाड़ियां भरकर टमाटर और सब्जियों को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के लिए सप्लाई करके भेजनी पड़ती है। वहीं किसानों ने बताया कि कुल्लू मंडी बिलासपुर जाने वाले लोग भी यहां रुककर ताजी सब्जियां खरीदते हैं। किसानों का कहना है कि यहां का वातावरण टमाटर की फसल के लिए काफी उपयोगी है और इस फसल से उन्हें दाम भी उचित मिलते हैं, लेकिन सिर्फ जरूरत है तो सब्जी मंडी की, जो सरकार से मांग की है कि यहाँ पर जल्द सब्जी मंडी खोली जाए। यहाँ सब्जी बहुत ज्यादा होती है, जैसे टमाटर की, गोभी, शिमला मिर्च, हर एक सारी सब्जी। यहाँ सब्जी मंडी की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये मन मर्जी का रेट लगाते हैं। यहाँ पे सब्जी मंडी नहीं है कोई भी नहीं, और यहाँ खोलनी चाहिए सब्जी मंडी।